ये अभी शिक्षा मित्रों ने ज्ञापन दिया, उनकी एक पीड़ा है, क्या उम्मीद लगाए सरकार से? नहीं है, ये देखिए शिक्षा मित्रों का मामला न्यायालय में है और बहुत सारी चीजें इसमें भारत सरकार के अधीन है, इसलिए जब तक कोई ठोस निर्णय इस बारे में नहीं होता तब तक मैं कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि बहुत छला गया है लोगों को पिछली सरकारों ने, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सबने रोज रोज आश्वासन देकर लोगों को बहुत छला है। हमारी सरकार ने आप सब जानते हैं और ये शिक्षा मित्र बंधु भी परिचित हैं इससे, इन लोगों का जो समायोजन हुआ था उसकी किसी नियमावली में किसी एक्ट के तहत कोई व्यवस्था नहीं हुई थी, कुछ लोग उसके खिलाफ कोर्ट गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय के बाद ये लोग अपने मूल पद पर वापस लौटे, और जब वापस लौटे तो 3,500 रुपया इनको मानदेय मिलता था, योगी सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाकर के 10,000 रुपया किया है। इन सारी परिस्थितियों से हम सभी अवगत हैं, लेकिन जो चीजें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अंतर्गत चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं भारत सरकार के निर्देशों उनके गाइडलाइन के अनुसार चल रही है, उन सब परिस्थितियों में जो भी हमारी सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा मैंने आपसे कहा, हमेशा इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं, यथासंभव जब भी जो समय आएगा, जो परिस्थितियां आएंगी, सबके कल्याण के लिए योगी सरकार काम कर रही है, इनके कल्याण के लिए भी काम करेगी।